दोस्तों आज हम बात करेंगे 10th क्लास एनसीईआरटी साइंस के चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस को। तो इसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज टू शेल्स एंड बोथ आर कंप्लीटली फिल्ड। इनमें से दो सेल किसमें होंगी और वो कंप्लीटली फिल्ड होंगी। तो आपको पता है कि नोबल गैसेस क्या हैं, जो अनरिएक्टिव हैं, उनकी जो लास्ट ऑर्बिट होती है उसमें 2, 8, 2, 8, 8 इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वो क्या है? नियोन। तो नियोन क्या है? एक नोबल गैस है तो, और जिसमें टू ऑर्बिट्स क्या होनी चाहिए? फिल भी होनी चाहिए। तो दैट विल बी द नियोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट दैट फॉर्म्स बेसिक ऑक्साइड। इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो बेसिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है? तो आपको पता है वो है पोटेशियम। और पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 19। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 19। याद रखेंगे बहुत अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलिमेंट ए बी एंड सी बिलोंग टू ग्रुप 2, 14 एंड 16। क्या है? थ्री एलिमेंट दे रखे हैं, थ्री ए बी सी हैं और जो बिलोंग करते हैं ग्रुप 2 को, ग्रुप 14 को एंड ग्रुप 16 को ऑफ द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के विच ऑफ द टू एलिमेंट्स विल फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। इनमें से कौन कौन कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे? तो बी एंड सी, बी और सी क्या बनाएंगे? कोवेलेंट बॉन्ड, जिनका एटॉमिक नंबर 14 है और 16 है। अब आपको पता होना चाहिए कि 14 किसका है। तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिल्कन। सिल्कन का 14 है, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम किसका है? 16। एल्यूमिनियम का 16 हो। एल्यूमिनियम के बाद में आता है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिल्कॉन, फास्फोरस, सल्फर। सल्फर आएगा, 16 किसका है? सल्फर का है। सल्फर के बाद में फिर आएगा क्लोरीन, क्लोरीन के बाद में फिर आएगा आर्गन। आपको ये कम से कम नहीं तो 25 तक एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक जो एलिमेंट है वो पता होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिक्रीज वाइल मूविंग डाउन द ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। इनमें से क्या डिक्रीज, यानी कि नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिक्रीज वाइल मूविंग डाउन द ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप जाने में इनमें से क्या नहीं घटेगा? तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? नहीं चेंज होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड एंड फर्स्ट ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल, वॉट इज द नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन इट्स एटम। तो क्या कह रहा है? एन एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड एंड फर्स्ट ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप का और थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, वॉट इज द नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन दैट एटम। तो उसमें कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं? तो देखिए इसमें क्या है, वन 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 विल बी द करेक्ट आंसर। बिकॉज देखो क्या है यहाँ पे, कि फर्स्ट फर्स्ट ग्रुप है और थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। तो फर्स्ट ग्रुप एंड थर्ड एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? वन ही तो होते हैं। तो वन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एलिमेंट एम इज इन ग्रुप 13 ऑफ द पीरियडिक टेबल। पीरियडिक टेबल का एक एलिमेंट है और जो 13 ग्रुप का है, द फॉर्मूला फॉर इट ऑक्साइड। तो 13 पे कौन सा होगा? तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ठीक है, तो 13 में क्या है? देखो 13 ग्रुप का एलिमेंट है वो, तो वो एलिमेंट क्या होगा? मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम की ऑक्साइड फॉर्मेशन करनी है। तो देखो यहाँ पे क्या ले लिया हमने? एम ले लिया, यहाँ ओ ले लिया। तो इनकी क्या करेंगे? वैलेंसीज को क्रॉसिंग कर देंगे। तो वैलेंसी वैलेंसी क्रॉसिंग करने के बाद में क्या बोलेगा? M2O3। तो M2O3 विल बी द करेक्ट आंसर। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो इसी तरीके की सीरीज आपकी चलती रहेगी और आप चैनल से जुड़ी रहिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।